हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्लैंड फार्मा के ऊपर। ग्लैंड फार्मा लास्ट ट्रेडिंग डे में तकरीबन 2% की तेजी दिखा करके 3700 के आसपास क्लोजिंग दिया था और इसने अपने क्वार्टर 2 के नतीजे जारी कर दिए हैं। तो हम लोग इस वीडियो के जरिए दोस्तों ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्लैंड फार्मा के Q2 के नतीजे कैसे रहे और ग्लैंड फार्मा के फंडामेंटल्स कैसे हैं और हम लोगों को इसके रिजल्ट के हिसाब से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ग्लैंड फार्मा के शेयर इन स्तरों से ऊपर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को हम लोग इस एनालिटिकल वीडियो के जरिए ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्लैंड फार्मा के टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्लैंड फार्मा लिस्टिंग के बाद से लगातार हायर हाई हायर लो बना करके ये स्टॉक चल रहा था और इसने तकरीबन ये देखिए 4400 के आसपास लाइफ हाई बनाया। उसके बाद हम लोग इस स्टॉक में लगातार सेलिंग देख रहे हैं, ये करेक्शन में चल रहा है। अब चूंकि इसके Q2 के रिजल्ट आ गए हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, अगर हम लोग इसके करेक्शन को ढूंढने की कोशिश करेंगे अभी तक इसके कितने करेक्शन हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए इस लेवल से लेकर के इसने अभी जो प्राइस है यहाँ पर कौन सा भाव निकल करके आ रहा है दोस्तों, परसेंटेज ये देखिए, ये तकरीबन 15% का इसमें करेक्शन हो चुका है ऊपरी स्तरों से। तो अब क्या हो सकता है, क्या ये जो प्राइस चल रहा है ग्लैंड फार्मा का 3700 ये अच्छा प्राइस है कि हम इन्वेस्टर इसमें बाई करके चलें। तो इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो के आगे में समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस इंटरेस्टिंग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहोगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। अगर आप स्किप करके देखोगे तो सारे इंफॉर्मेशन आप मिस भी कर सकते हो, जिसके चलते आपके डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्लैंड फार्मा के मार्केट कैप की बात करें तो ये तकरीबन 61,000 करोड़ की कंपनी है। वहीं पर अगर इसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की, ये काफी अट्रैक्टिव 20.9%, वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28%, काफी अट्रैक्टिव फिगर हैं दोनों। डेट इक्विटी की बात करें तो 0, डेट फ्री कंपनी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 58%, वहीं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये 357 बहुत ही शानदार है। और अगर इसके 52 वीक हाई की बात करें तो ये देखिए 4350 और 52 वीक लो 1831, जबकि ये अभी 3700 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अपने 52 वीक हाई से कुछ ही नीचे ये ट्रेड कर रहा है, या बोलिए दोस्तों कि ये 15% के आसपास इसमें करेक्शन हो चुका है, जैसा कि अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा था। और अपने ये 52 वीक लो से ऑलमोस्ट डबल पर ट्रेड कर रहा है, 2 times पर ट्रेड कर रहा है। तो अभी तक जो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देख रहे हैं दोस्तों, उससे यही समझ में आ रहा है कि ग्लैंड फार्मा के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इसके Q2 के रिजल्ट कैसे आए। लास्ट कॉलम में हम लोग Q2 के रिजल्ट को देख रहे हैं। अगर इसको हम लोग एनुअल बेसिस पर कंपेयर करें तो लास्ट सितंबर क्वार्टर में ये 832 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि इस बार ये बढ़ करके 1080 करोड़ सेल्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इनके जो सेल्स हैं उसमें तकरीबन हम लोग 20% अंदाजतन बोल रहे हैं कि जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो काफी तगड़ा इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनके जो सेल्स हैं उसमें हम लोग को हल्का सा डीग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम लोगों को ग्रोथ काफी शानदार देखने को मिल रहा है।
अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि सेम पीरियड में इनके नेट प्रॉफिट कैसे देखने को मिलना है, तो यहाँ पर देखिए कि लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में ये 219 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जबकि ये इस बार बढ़ करके 302 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इनके नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस में ये तकरीबन 50% के आसपास जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार इनका ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इनके रेवेन्यू बढ़े 20% के आसपास और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं 50% के आसपास। तो काफी शानदार सेट ऑफ नंबर्स ग्लैंड फार्मा ने दिखाया है क्वार्टर टू में। तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि ग्लैंड फार्मा में जो करेक्शन चल रही है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें रिकवरी भी हम लोग देखें। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि पास्ट में इसके एनुअल रिजल्ट कैसे रहे हैं, उसको भी देखना काफी जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इनके जो सेल्स हैं एनुअल बेसिस पर लगातार देखिए बढ़ रहे हैं, कभी भी इनके सेल्स में किसी प्रकार का डिग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। और ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से तो ये लाइफ हाई सेल्स रिपोर्ट कर रही है। वहीं पर इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैं वो भी देखिए लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम लोग ट्रेलिंग 12 मंथ में देख रहे हैं कि ये लाइफ हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये रिपोर्ट कर रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम लोग समराइज व्यू में इसके जो प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, उसको समझने की कोशिश करें तो लास्ट 3 इयर्स में इनके जो सेल्स हैं वो 29% CAGR के रेट से हम लोग बढ़ते हुए देखें। वहीं इनके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 46% CAGR के रेट से हम लोग बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो काफी अच्छा परफॉर्म की है पास्ट में भी ये कंपनी, और प्रेजेंट में भी इसके क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि ग्लैंड फार्मा में अगर हम लोग खरीदारी करके चलते हैं, जो कि अपने उच्चतम लेवल से 15% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शेयर इन स्तरों से काफी तेजी दिखा सकता है। और अगर लंबे समय का नजरिया हो तो ये स्टॉक इन स्तरों से भी काफी अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों अगर आपके भी पोर्टफोलियो में ग्लैंड फार्मा के शेयर हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करें कि आपने किस भाव पर खरीदा है, या आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला था, तो मुझे भी जानकर के खुशी होगी। और आपको भी ऐसे किसी स्टॉक के बारे में जानकारी हो जो कि अभी डिस्काउंट में चल रहा है और आपको लग रहा है कि उसमें तेजी आ सकती है, तो आप उसके बारे में भी मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके बताए गए स्टॉक को भी मैं कवर कर लूं, अगर उसके फंडामेंटल्स सही मुझे देखने को मिलेंगे तब। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो हम लोग फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।